यमुनानगर में आज पीटीआई टीचरों ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर जाकर उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने पीटीआई टीचरों को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और पीटीआई टीचर धक्का मुक्की करते हुए शिक्षा मंत्री तक पहुंचने में सफल हो गए। इस दौरान पीटीआई टीचरों ने कहा कि 17 सितंबर से 27 सितंबर तक प्रदेश भर में मंत्रियों को ज्ञापन दे रहे हैं ताकि मंत्री पीटीआई टीचरों का पक्ष मुख्यमंत्री के सामने रखें। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने उनकी मांगों को ध्यान से सुना और मुख्यमंत्री से बातचीत करने का और उनका पक्ष रखने का आश्वासन दिया है। दिलबाग जाखड़ है जी, मैं हरियाणा राज्य शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति का प्रेस सचिव हूँ। मैं पहले आर्मी में था, आर्मी में बैठते हुए मेरे को 2002 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा शौर्य चक्र दिया गया है। उसके बाद मैं इन 1983 PTIO में पीड़ित परिवार में से एक हूँ। सर, हमारी करनाल रैली में मुख्यमंत्री जी का एक डेलीगेट आया और जो हमारे को लिखित में आश्वासन देके गया कि 1 तारीख को आपकी 11 मेंबर कमेटी की मुख्यमंत्री के साथ आपकी बहाली के बारे में मीटिंग है, तो हमारी कमेटी ने एक निर्णय लिया, 17 से लेकर 27 तक हम हर मंत्री के घर पे जाएंगे और हर मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और हर मंत्री को बताएंगे कि आप 1 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली मीटिंग में आप हमारा सहयोग करें और हमारी बहाली में आप अपना योगदान प्रदान करें। आज आपकी क्या बातचीत हुई है शिक्षा मंत्री जी के साथ? सर, आज हम शिक्षा मंत्री जी से मिले। शिक्षा मंत्री जी ने हमारे को एक तो ये आश्वासन दिया कि मैं आपकी सारी बातें आगे रखूंगा, और हमने शिक्षा मंत्री जी को बोला कि शिक्षा मंत्री जी, आप हमारे डिपार्टमेंट के एक मेन आदमी हो, हमारी जो 11 मेंबर कमेटी होगी उसमें 12वें सदस्य आप भी हो, जो मुख्यमंत्री के पक्ष रखेंगे वो आप हमारी तरफ से रखें। तो हमारे उन्होंने क्या कहा? शिक्षा मंत्री जी ने कहा जो हमने उनको मुद्दे नोट कराए थे, इसमें हमारी 38 विधवाएं बहनें हैं, उसके बाद 60 से लेकर 65 आदमी दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, कुछ आदमियों के पास 10-10 लाख के लोन भी हैं, तो उन आदमियों के पास आजीविका कोई साधन नहीं रहा। कुछ हमारी बहनें ऐसी भी हैं जिनके 3-3 लड़कियां हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे पढ़ नहीं सकते, फीस पूरी नहीं चुका सकते। तो शिक्षा मंत्री जी ने ये बोला है कि मैं आप लोगों का इसमें पूरा सहयोग करूंगा और मेरे बस की तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब से आपकी नौकरी बहाली की कोशिश करूंगा। कितने लोगों की जान चली गई इसमें? इसमें सर 38 लोगों की जान चली गई है, 38 लोग तो पहले और एक हमारा फैसला आने के बाद जो अटैक की तरफ से, टोटल 39 लोगों की जान चली गई है। कितने का भविष्य अधर में लटका हुआ, कितने लोगों का भविष्य इसमें अधर में? अभी सर हमारे इसमें 1761 साथी हैं जो मैक्सिमम 50 और 55 की उम्र में है। कुछ एक साथी हमारे रिटायरमेंट भी हो चुके हैं जो आर्मी से आए थे, और इसमें हमारे ये सिर्फ 1983 नहीं, 1983 × 5 कम से कम 10,000 परिवारों का एक भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब आपको पेपर देने की बात कही थी, आप पेपर देने से भागे क्यों थे? देखिए सर, हम पेपर देने से कभी नहीं भागते। हमने 2006 में पेपर दिया था, उसके बाद पेपर रद्द हुआ, किस वजह से हुआ, 2007 में फिर पेपर दिया, 2010 में हम लगे, और हमने हर 10 साल पेपर ही दिया, क्योंकि हमारा ACR उठा के देख लें, हमारा ACR टॉप में है और हमने आज तक 20,000 खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के दिए हैं। ये हमारा पेपर ही है और ये हमारा क्या है सर?